इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर सरकार की आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना के तहत निजी अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बी बी कक्कड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने स्टेट यूनियन के आह्वान पर आज से भारत यूनियन की चिरायु योजना के तहत आयुष्मान कार्ड द्वारा जो मुफ्त इलाज होता था उसे फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को काफी समय से इस योजना के तहत मिलने वाला पैसा नहीं मिल रहा है और जो पैसा मिलता है वह भी निर्धारित पैसे में से काट कर मिलता है, जिससे निजी अस्पतालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो चिरायु आयुष्मान भारत की जो ये योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, जो ये योजना सरकार द्वारा चलाई गई जिसमें जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने पेनलाइज करे हैं उनमें हमारा सब डॉक्टरों का 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपया बनता है, ना तो पैसे आ रहे हैं और ना ही हम से ये फैसला लिया है कि जितने भी पेशेंट हैं इनको सुविधा देने में हमें असुविधा हो रही है। जो फैसला हमारी स्टेट कमेटी ने किया है आज के बाद हम जब तक हमारी पेमेंट नहीं आती या जितने भी बिल पे बिलों में कमी की जाती है पैसों में, तो इसके लिए जो फैसला स्टेट गवर्नमेंट ने किया है उसके साथ हम चल रहे हैं। आज से हमने भी काम ना करने का फैसला लिया। उनका तो ट्रीटमेंट पूरा करके भेजेंगे जो एडमिट है और फ्रेश सर्जरी नहीं होगी कोई। देखिए, पूरी स्टेट IMA जो हरियाणा की है उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो जो निजी अस्पताल है पूरे हरियाणा में जिनको आयुष्मान के तहत जो फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी ट्रीटमेंट मोदी जी द्वारा चलाया गया, जो एक लाइक अच्छा निश्चय था, वो मतलब सब निजी हॉस्पिटल सब पेशेंट्स को हेल्थ फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करके पूरा कर रहे थे, बट उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी जिस वजह से पूरी जो स्टेट IMA है हरियाणा की उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें लाइक आज से कुछ समय के लिए जब तक कुछ मांगे हैं हमारी वो पूरी नहीं हो जाती तब तक जो इलेक्टिव बेसिस काम है वो स्टॉप किया जाएगा। हाँ, इसमें लाइक ऐसा है कि नॉर्मली जो हमारा MOU साइन होता है किसी भी निजी अस्पताल का उसमें 15 डेज के अंदर पेमेंट आनी चाहिए, उसके बाद इंटरेस्ट होना चाहिए, बट बहुत सारी पेमेंट्स है जो काफ़ी रुक गई है काफ़ी समय से। अब कोई निजी अस्पताल है उसमें स्टाफ भी होते हैं, उनके खुद के खर्चे भी होते हैं, और हमारे हरियाणा में गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छी स्कीम है जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बट कोई भी सेटअप रन करने के लिए एक मतलब फ्लो होना चाहिए कैश का, लाइक जो हम सुविधाएं दे रहे हैं उसके लिए हमारे यदि समय पे पेमेंट आती रहेगी तो हमारे स्टाफ की सैलरी भी तभी जा पाएगी, दवाइयाँ जिन कंपनियों से आती हैं उनके पैसे भी तभी दे पाएंगे, या कोई सर्जरी हो रही है उसमें कुछ धागे लग रहे हैं इम्प्लांट डल रहा है उसके पैसे भी हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास पैसे आएंगे। तो अभी कुछ समय से पेमेंट रुकने के कारण जो अस्पतालों में स्टाफ की सैलरी या फिर वेंडर जो पेमेंट होती है वो नहीं कर पा रहे, जो अस्पताल बेसिक अपने खर्चे हैं वो भी नहीं निकाल पा रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी तंगी में आ गए थे। वरना मुझे लगता है कि हर डॉक्टर यही चाहता है कि जितने भी मरीजों का भला कर सकें करते रहें। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर सरकार की आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना के तहत निजी अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।